सौतेली माँ करती है बेटे से सीक्रेट अफेयर, जिसकी वजह से बदल जाता है सब कुछ। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वीन ऑफ द हार्ट्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है एने। वो पेशे से एक लॉयर होती है और ज़्यादातर चाइल्ड केसेस हैंडल करती है। वो अपने डॉग के साथ घर वापस आती है जहाँ उसकी दोनों बेटियाँ फ्रीडा और फैनी खेल रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाती है जहाँ उसका पति पीटर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। वो कहता है कि स्टॉकहोम से पुलिस का फ़ोन आया है और मुझे जाना होगा। तो एने कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन पीटर मना कर देता है और अकेला ही चला जाता है। एने घबराई हुई विंडो पे जाती है और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ एने अपनी फैमिली के साथ सोई होती है। अगली सुबह एने कुछ काम कर रही होती है और इतने में पीटर अपने बेटे गुस्ताव के साथ आता है। गुस्ताव पीटर की एक्स वाइफ का बेटा होता है और उसका बिहेवियर किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पीटर उसे अपने साथ ले आता है। पीटर गुस्ताव को एने से मिलाता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करती है, जहां हम देखते हैं कि एने की बेटियां गुस्ताव से बात करती हैं, लेकिन गुस्ताव इस सब से खुश नहीं होता। उसके बाद एने अपनी सिस्टर लीना से मिलती है और उसे गुस्ताव के बारे में बताती है। और जब वो घर वापस पहुँचती है तो उसे की चेन ज़मीन पर पड़ी मिलती है, जिसे वो अपने बैग में रख लेती है। फिर एने गुस्ताव के रूम में सफाई करने जाती है और गुस्ताव शावर लेकर बाहर आता है। एने उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन गुस्ताव ठीक से जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद गुस्ताव अपने डैड से बहस कर रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, और ये सब एने भी सुन रही होती है। और फिर गुस्ताव गुस्से से बाहर चला जाता है। रात को एने पीटर से कहती है कि तुम्हें गुस्ताव को प्यार से समझाना होगा क्योंकि तुम उससे ज़्यादा समझदार हो। फिर अगली शाम एने अपने काम से घर वापस आती है और देखती है कि घर का दरवाज़ा टूट रखा है। घर में सारा सामान बिखरा होता है, चीज़ें गायब भी होती हैं। वो पीटर को फ़ोन करती है और चोरी के बारे में उसे बता देती है। इतने में गुस्ताव भी घर आ जाता है और एने कहती है कि तुम अपना रूम चेक कर लो, कहीं कुछ गायब तो नहीं है। फिर शाम को एने कपड़े धोने के लिए निकाल रही होती है तो उसे वो हार्ट वाली की चेन गुस्ताव की जेब में मिलती है और उसे कुछ डाउट होने लगता है। थोड़ी देर बाद जब एने अपना काम कर रही होती है तो वो गुस्ताव को वो की चेन दे देती है। वो कहती है कि ये मेरे बैग में था और जिस दिन घर में चोरी हुई थी तो मेरे बैग के साथ ये भी गायब हो गया था। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही चोरी की है, जिससे गुस्ताव साफ इनकार कर देता है। तो एने कहती है कि ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ और वो खुद पता करेगी। गुस्ताव गिल्ट फील करता है और वो एने से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बात के लिए सॉरी हूँ। एने कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें पूरी फैमिली के साथ अच्छे से रहना होगा, फैमिली का हिस्सा बनके। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि गुस्ताव फ्रीडा और फैनी के साथ गेम खेल रहा होता है, जिसे देखकर पीटर, एने और लीना को भी अच्छा लगता है। उसी रात को एने जब काम कर रही होती है तो देखती है कि गुस्ताव किसी लड़की को लेकर आया होता है और गुस्ताव उसे एने से मिलवाता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और एने को भी जैसे कुछ हो जाता है, उसका काम करने का मन नहीं करता। और फिर वो बेडरूम में चली जाती है। वो आईने के सामने जाती है और अपने सारे कपड़े उतार कर खुद को देखने लगती है। फिर अगली शाम एने अपने काम से वापस आती है और जब पीटर काम कर रहा होता है तो वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एने तीनों बच्चों के साथ एक झील के किनारे होती है जहां गुस्ताव और दोनों लड़कियां इंजॉय कर रहे होते हैं। एने काम कर रही होती है और गुस्ताव के कहने पर वो भी पानी में चली जाती है, जिसके बाद वो चारों काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर रात को सबके सोने के बाद गुस्ताव और एने बियर पी रहे होते हैं और एने उसे कुछ पर्सनल बातें पूछती है। फिर थोड़ी देर बाद गुस्ताव एने के हाथ पे एक टैटू बना देता है, जिसे देखकर एने काफ़ी खुश लग रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एने के घर पे पीटर के कुछ दोस्त आए होते हैं, लेकिन उन सब के बीच एने बोर फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद एने अकेले में बैठी होती है और गुस्ताव भी कहीं जा रहा होता है। वो एने से कहता है कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ,
क्या तुम भी चलोगी? और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां गुस्तव एने को अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा के बारे में बता देता है। एने को गुस्तव का साथ अच्छा लगने लगता है और इतने में गुस्तव के किसी फ्रेंड का मैसेज आता है और गुस्तव कहता है कि मुझे जाना होगा। एने अचानक से गुस्तव को किस कर देती है और कहती है कि घर पर मिलते हैं, और फिर गुस्तव चला जाता है। एने घर पहुंचती है और पीटर उससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, घर पे गेस्ट आए हुए थे और ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, और इतना कहकर चला जाता है। अगली रात पीटर घर पे नहीं होता और एने अकेली बेड पे होती है। उसे जैसे कुछ होने लगता है और वो उठकर सीधे गुस्तव के रूम में चली जाती है। वो गुस्तव के बेड पे जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। गुस्तव को भी ये अच्छा लग रहा होता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन एने कंप्यूटर शॉप पे जाती है और गुस्तव के लिए नया लैपटॉप ले आती है, जिसके बारे में वो पीटर को भी बताती है और पीटर इसके लिए उसे अप्रिशिएट करता है। फिर हर रोज़ गुस्तव और एने एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, और एक दिन हम देखते हैं कि एने और गुस्तव बाथरूम में रोमांस कर रहे होते हैं, और इतने में पीटर भी घर आ जाता है और फिर एने बाहर चली जाती है। शाम को वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं, और उसके बाद गुस्तव एने से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और उन्हें रिकॉर्ड भी करता है। अगले दिन एने की बेटी का जन्मदिन होता है और कुछ गेस्ट भी घर पे आए होते हैं। गुस्तव यहाँ भी एने को ही बार बार देख रहा होता है, और जब वो कुछ सामान लेने जाती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। वहाँ पर भी गुस्तव एने को किस करने लगता है, और एने की सिस्टर लीना उन दोनों को इस हालत में देख लेती है। एने लीना के पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, तो लीना गुस्से में होती है और कहती है कि वो एक बच्चा है, और इतना कहकर चली जाती है। फिर एने गुस्तव को एक जंगल में ले जाती है और उससे कहती है कि हमें ये सब यहीं रोकना होगा और आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुस्तव को एने से अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन वो एने से कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पीटर एने से कहता है कि मैं और गुस्तव एक दिन के लिए कॉटेज जा रहे हैं, जहाँ हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिता पाएंगे, और एने इसके लिए हाँ कर देती है। फिर दो दिन बाद गुस्तव और पीटर वापस आ जाते हैं, और पीटर एने से बात नहीं कर रहा होता, और फिर रात को वो एने को बात करने के लिए एक टेबल पर बुलाता है। वो एने से कहता है कि गुस्तव ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुम दोनों के बारे में, कि तुमने मेरे बेटे के साथ रिलेशन बनाया था। एने गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। वो वहाँ से जाने लगती है और पीटर भी उसके साथ साथ जाने लगता है। एने सामान पैक कर लेती है और कहती है कि गुस्तव मुझे बचपन से पसंद नहीं करता, कि मैंने तुम्हें उससे और उसकी माँ से छीन लिया था, और वो इसी बात का बदला ले रहा है। पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पर भरोसा करूँ। तो एने कहती है कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है और तुम हो रहे हो। वो कहती है कि मैं एक दो दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तो तुम अपने लिए नया घर ढूँढ लेना, और गुस्तव भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो पीटर उसे गले लगा लेता है और सॉरी कहता है। फिर अगले दिन पीटर और एने गुस्तव से बात करते हैं, और पीटर गुस्तव से कहता है कि अगर तुम्हें एने से नफरत है तो भी तुमने जो कहा है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो गुस्तव कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है और मैं सच कह रहा हूँ। एने यहाँ पर भी अपने अफेयर से मुकर जाती है और झूठ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो गुस्तव के पास जाती है और गुस्तव एने के मुंह पर थूक कर चला जाता है, और फिर एने पीटर से कहती है कि गुस्तव अब यहाँ नहीं रह सकता, जिससे पीटर सैड हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गुस्तव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम गुस्तव को देखते हैं जो अपने इंसाफ के लिए एक लॉयर के पास जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एने भी वहाँ काम करती है, और फिर एने उसे अपने कैबिन में ले जाती है। एने कहती है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो गुस्तव कहता है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है, और मेरे पापा को ये सच जानना ज़रूरी है। तो एने कहती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबको तुम्हारी हिस्ट्री पता है और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। गुस्तव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात को गुस्तव अपने डैड से मिलने आता है, लेकिन एने उसे अंदर नहीं आने देती। वो एने को किस करने लगता है और फिर नीचे गिरकर रोने लगता है। एने कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
फिर एक शाम एने के घर पे कुछ गेस्ट आए होते हैं और पीटर को एक फ़ोन आता है। वो एने को कहता है कि गुस्ताव का कुछ नहीं पता चल रहा और वो काफ़ी दिनों से लापता है। और फिर हम मूवी की शुरुआत का सीन देखते हैं जब पीटर को पुलिस ने बुलाया होता है। कुछ दिनों बाद पीटर पुलिस से मिलकर वापस आता है और एने को बताता है कि गुस्ताव की लाश किसी को मिली थी। वो कहता है कि गुस्ताव एक जगह बैठा हुआ था और बर्फ पड़ने की वजह से वो वहाँ फ्रीज हो गया और मर गया। पुलिस का कहना था कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार चुका था और वो उस जगह से उठना ही नहीं चाहता था। वो दोनों रोने लगते हैं और एन उसे हग कर लेती है। एन को इस बात का पछतावा होता है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और उसे अपने पीछे गुस्ताव खड़ा दिखाई देता है। रात को जैसे एन पीटर को सब बताने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही पीटर गुस्से से उसका मुंह बंद कर देता है। जैसे कि पीटर को सब पता होता है कि गुस्ताव झूठ नहीं कह रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन वो दोनों अपनी बेटियों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। एने के चेहरे पे पछतावा साफ दिख रहा होता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।